हेडिंग है कोशिका विभाजन। युग्मक जनन के दौरान कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। हेडिंग है सेल डिवीजन ड्यूरिंग ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। हाँ हेडिंग है बाबू गैमेट फॉर्मेशन, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। आज जैसा पढ़ाया ऐसा ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पॉइंट बहुत कम हो जाते हैं। जो ऑफलाइन पढ़ाया था तो पूरा एकदम विस्तार में लिखवाया जाता है, तो आज का जो क्लास है वो पूरा ऑनलाइन को मद्देनजर रखते हुए अब धीरे धीरे ले जाया जा रहा है। क्योंकि कल जो है कुछ बच्चे कहे कि सर जी ऑफलाइन में जैसे पढ़ाते हैं उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, बहुत सारा चीज़ उसमें हम लोग को मज़ा नहीं आता है, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा चलो उसमें क्रिस्पी कर दिया जाए, दोनों को मिक्स कर दिया जाए। तो सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, समझिए युग्मक जनन के दौरान कोशिका विभाजन। मतलब कि अगर हम बात करें कि अगर पेरेंट बॉडी है, कैसी बाबू पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी मतलब कि जनक कोशिका, कौन सी हो गई बाबू? अगर मान लो ये जनक कोशिका या जनक बॉडी है तो जनक बॉडी कितनी प्रकार की होगी? दो प्रकार की, एक होती है हैप्लॉइड और दूसरा होती है बाबू डिप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब इसकी जो संख्या होगी n होगी और डिप्लॉइड मतलब 2n। बात आ रही है? तो आप ऐसे बोलोगे, सुनो हैप्लॉन्टिक प्लांट बॉडी, सॉरी हैप्लॉन्टिक पेरेंट बॉडी, इसका नाम जो हो जाएगा क्योंकि इसी का ब्रांच है ना, तो बोलेंगे हैप्लॉइड या हैप्लॉन्टिक पेरेंट बॉडी, इसको बोलेंगे डिप्लॉन्टिक पेरेंट बॉडी। अच्छा अगर हैप्लॉन्टिक हो या हैप्लॉइड हो तो उससे अगर युग्मक का फॉर्मेशन करना है, युग्मक जनन कराना है, तो उसमें क्या कराएंगे? माइटोसिस। क्या कराएंगे बाबू? माइटोसिस। माइटोसिस मतलब जानते हो समसूत्री विभाजन। क्या बोलेंगे बाबू? समसूत्री। समसूत्री मतलब कि यन का यन ही मिल जाए, और हम सब जानते हैं कि गैमिट कैसा होता है? अगुणित। क्या होता है? अगुणित। तो गैमिट तो यहां बन गया, बस आ रही है? तो माइटोसिस के दौरान गैमिट का फॉर्मेशन होगा, यही हमने हेडिंग में बोला सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन। कैसा विभाजन होगा युग्मक जनन के दौरान, कैसा विभाजन होगा? तो हम डिपेंड करता है कि पेरेंट बॉडी कैसी है। अगर हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी है तो क्या हो जाएगा? माइटोसिस। अगर डिप्लॉइड पेरेंट बॉडी है तो क्या हो जाएगा बेटा? मियोसिस। क्या हो जाएगा? मियोसिस। और यहां पे क्या बन जाएगा? ये जायगोट। जायगोट कब बनता है रे? निषेचन के समय निषेचन हो रहा है, यहाँ पे युग्मक बन रहा है कथा के। अब देखो तू तो वो नहीं पढ़ रहा है वो तो मान लो जायगोट को याद आ गया तो चलो इधर देखो सुनिएगा, याद रखिएगा कि पेरेंट बॉडी अगर हैप्लॉइड हो तो माइटोसिस होगा, और डिप्लॉइड हो तो क्या हो जाएगा? मियोसिस। कब? जब युग्मक का निर्माण करना हो, और युग्मक हम जानते हैं सदैव कैसा होता है? अगुणित होता है। तो मेरा युग्मक बन गया हर जगह। तो अगर हम कहें कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, तो कहोगे डिपेंड्स ऑन पेरेंट बॉडी। क्या बोलोगे? डिपेंड्स ऑन पेरेंट बॉडी। इस लाइन के बाद तुरंत तुम बोलोगे, अगर कोई बोल दे कि सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, तुम बोलोगे डिपेंड्स ऑन पेरेंट बॉडी। अगर पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड है या हैप्लॉन्टिक पेरेंट बॉडी है तो उसमें क्या हो जाएगा? माइटोसिस। अगर वो डिप्लॉइड है तो क्या हो जाएगा? मियोसिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे ही छापो नोट्स में, ऐसे ही छापो।